ओम साई राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दीपक पे फूल बनता है उस फूल से हमारी पूजा स्वीकार होती है या नहीं, वो फूल हमें क्या संकेत देता है, और वही फूल अगर दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों तरफ वो फूल बनता है, एक जिस तरफ हम बैठकर पूजा कर रहे होते हैं और एक हमारे इष्ट देव जहाँ बैठे होते हैं उनकी तरफ, अगर हमारे दोनों तरफ फूल बनता है तो उसका क्या महत्व होता है। और जब हम पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, जो दीपक तो सनातन धर्म में सभी के यहाँ लगता है, दीपक जलते जलते दीपक का जब घी समाप्त हो जाता है तो वो दीपक में जो बत्ती होती है वो भी जल जाती है अंत में, तो उसका क्या महत्व होता है, उससे क्या लाभ होता है हमें या हानि होती है, हमारी पूजा हमारे इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, वो हमें क्या संकेत देती है। आज मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करूंगा आपसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आप दीपक लगाते हो अपने घर में और दीपक जैसे आपने लगाया उसके कुछ समय बाद ही आपके जो दीपक लगाया है आपने उस दीपक में कुछ समय बाद फूल बन जाता है, एक फूल होता है दीप, जहाँ से दीपक जलता है वहाँ ऊपर की साइड जो फूल होता है, अगर आपके पूजा में वो फूल बनता है दीपक में, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे इष्ट देव हमारी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और हमें ऐसे ही उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। अगर वही फूल दो दिशाओं में बढ़ जाता है, एक हमारी तरफ और एक हमारे इष्ट देव की तरफ, वही फूल दो भागों में जब हो जाता है तो वो फूल हमें यही संकेत देता है कि जैसे हम अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं तो इष्ट देव हमसे यही चाहते हैं और यही कहते हैं उन संकेतों के द्वारा, कि अपने भक्त से भगवान कहते हैं कि मैं तेरा हो चुका हूँ और तू मेरा हो चुका है, तभी वो फूल दोनों तरफ बनता है। अब तू कभी मेरी पूजा मत छोड़ना, जिस तरह तुझे मेरी आदत हो गई है उसी तरह मुझे भी तेरी आदत हो गई है मेरे बच्चे, इसलिए तू कभी भी मेरी पूजा मत छोड़ना, हर समय मेरी पूजा करा कर तू, हर समय मेरे नाम का स्मरण तो कर ही सकता है, मन ही मन मेरे नाम का स्मरण किया कर, और सुबह और शाम हर रोज़ तू मेरे नाम का दीपक लगाया कर, सुबह और शाम हर रोज़ के लिए दीपक लगाने के लिए हर एक को नहीं चुनता हूँ मैं, किसी किसी को चुनता हूँ, और जिसको भी चुनता हूँ मैं वो बहुत ही बड़ा भाग्यशाली होता है, इसलिए मैंने अगर तुझे चुना है और तुझे मेरी भक्ति से ये संकेत मिल रहे हैं तो तू मेरी पूजा कभी भी मत छोड़ा कर, मैं हर रोज़ तेरा इंतज़ार करता हूँ कब तू आएगा मेरी शरण में, मुझे बहुत ही प्रिय लगता है जब तू मेरे नाम को स्मरण करता है। यही संकेत बाबा उस बत्ती के माध्यम से देते हैं। और अगर वही बत्ती जैसे हम पूजा कर रहे हैं, दीपक जलाया है हमने, पूजा करने के बाद जब वो बत्ती जलती है, घी खत्म हो जाता है और वही बत्ती जल के राख हो जाती है, तो वो बत्ती हमें एक महत्वपूर्ण संकेत देती है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। वो यही संकेत देती है वो बत्ती खुद जलकर कि हाँ हमारे इष्ट देव जो भी गुरुदेव हैं या इष्ट देव हैं तुम्हारे, वो तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और जो तुम उनसे विनती करते हो हर रोज़ वो तुम्हारी हर एक विनती को स्वीकार कर रहे हैं, और वो जल्द ही किसी न किसी दिन तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, और वही चमत्कार तुम्हारे जीवन को बदल देगा, इसलिए निराश ना हो मेरे बच्चे। और रही बात कष्टों की और पापों की, जब वो बत्ती जलकर खुद राख होती है ना, वही बत्ती हर रोज़ तुम्हारे कष्ट तुम्हारे पापों को जलाकर राख कर रही होती है, वो बत्ती यही संकेत देती है जिस तरह मैं जल रही हूँ उसी तरह तुम्हारे इष्ट देव या तुम्हारे गुरुदेव जो भी हों वही तुम्हारे
तुम्हारे स्मरण से बहुत ज्यादा प्रसन्न है और वो तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे पापों को अपनी धुनी में जला रहे हैं और तुम्हें उनसे आजाद कर रहे हैं। इसलिए हर रोज उनकी पूजा करते रहो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी पूजा का फल मिलने वाला है और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। जो दिन जा रहा है वो जा रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जब हम पूजा कर रहे होते हैं, अपने गुरु के या अपने इष्ट देव के ध्यान में मगन होते हैं, तो हमारा जो दीपक जल रहा होता है उस दीपक की लौ अधिक तेज हो जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे बहुत तेज जलने लगती है और ऊपर नीचे बार बार होने लगती है। वो हमें भी एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। वो यही संकेत देती है हमें कि हम जो भी जाप कर रहे हैं अपने इष्ट देव का, जिस भी इष्ट देव का जाप कर रहे हैं, वो हमारे समीप बैठकर हमारे जाप को सुन रहे हैं और वो हमसे बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हैं। अगर तुम्हारे भी दीपक में ऐसा होता है, तुम्हारा भी दीपक जलने के कुछ समय बाद कभी लौ उसकी तेज हो जाती है, कभी लौ उसकी कम हो जाती है, अगर ऐसा होता है तो अवश्य ही तुम्हारे इष्ट देव हर रोज़ तुम्हारी पूजा में आते हैं और तुम्हें आशीर्वाद भी देकर जाते हैं, और जो तुम उनके नाम का स्मरण करते हो उसे वो खुद तुम्हारे समीप बैठकर, तुम्हें अपने चरणों में बिठाकर वो तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मन से वो अपने नाम का स्मरण सुनते हैं और उससे प्रसन्न भी होते हैं और तुम्हें एक नहीं अनेक आशीर्वाद भी देते हैं। और तुम तो जानते ही हो ना, जो इष्ट देव या गुरुदेव जो आशीर्वाद दे दें वो कभी निष्फल नहीं होता है। तो वही आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल सकता है ना, और बदलते भी हैं, न जाने कितनों के जीवन बदल दिए हैं। तो इसलिए दीपक को जब भी जलाओ, श्रद्धा भाव से जलाओ, अवश्य ही तुम्हें उसका फल मिलेगा और तुम्हारे इष्ट देव प्रसन्न भी होंगे। ओम साई राम। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अवश्य ही उसका उत्तर अपने बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से दे आपके पास तक पहुँचा दूँगा। आप मुझे बता सकते हैं आपके साथ भी क्या घटित होता है, क्या नहीं होता। ओम साई राम।